जैसे आप लोग खड़े होते हो मूवी के पहले नेशनल एंथम आता है, होते सभी होते हैं, मैं भी होता हूँ, होना भी चाहिए। पता खड़ा तो मैं पहले भी होता था, ये जब से बीजेपी आई है ना मैं गाता भी हूँ। रिस्क लेनी क्यों भाई, कौन गुस्सा हो जाए कूट के चला, मैं कहा देखो मेरी देश में मैं गा के दिखाऊंगा। आप लोगों ने मूवी देखी है स्वदेश, शाहरुख खान की, क्या कमाल की पिक्चर नहीं थी यार, मैं तो बहुत ही इमोशनल हो गया था वो पिक्चर देखते हुए। देशभक्ति नहीं जागी थी एकदम, लाइक आई क्लियरली रिमेंबर मैं मूवी देख रहा था यार, आई गॉट सो कैरिड अवे, लाइक बाय द टाइम द मूवी एंडेड मैंने मन बना लिया था कि इंडिया वापस आना है, और मैं तो बाहर था भी नहीं। पर वो मूवी का मैसेज ही वही था ना, तो मुझे फील करना था, तो मैं चला गया फिर बाहर, आई वेंट टू थाईलैंड। बट मूवी कमाल की थी, गाने भी कमाल थे उसके। आप लोगों को गाना याद है, यूं ही चला चल राही, किसी को सिंगर याद है उसके, कैलाश खेर क्लासिकली ट्रेंड, क्या गाते हैं, अलाप अलाप लगाते हैं, और एक वो थे अपने उदित नारायण, बहुत ही क्यूट है यार। तो उस गाने में कैलाश खेर दिखाते हैं टैलेंट, लगाते हैं आलाप, सानी सारा मापा मारा मापा सारा मापा गामा गा रहे, और पीछे से उदित नारायण सानी सा सा तू अकेला कहाँ जा रहा टैलेंट दिखा के, अपनी प्रेजेंस तो फील करा दूं मैं, जितना आता था गा दिया बेचारों ने। देन कैलाश टुक इट टू द नेक्स्ट लेवल, सानी सारा मापा मारा मापा सारा मापा गामा गा रहे सानी सा 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 एक्स्ट्रा साज लगाया हो जाएगा, सो क्यूट। स्वदेश तो वैसे मैंने दो बार देखी थी थिएटर में, इतनी पसंद आई थी मुझे। वैसे थिएटर में ना एक बड़ी वियर्ड चीज़ होती है मेरे साथ, एक तो ना मुझे अपनी सीट ही नहीं मिल रही होती कई बार, लाइक एक बार ना मेरा सीट का नंबर था Q7, देखो ABCD मुझे आती है, 1 2 3 4 भी आता है, पर जब आप थिएटर में घुसते हो ना, एक तो आप वो सीढ़ियाँ उतर रहे हो ऑलरेडी एक काम कर रहे हो, और वो ABCD चालू ही नहीं करते, वो उल्टा चालू करते हैं Z Y X, फिर उतरते उतरते बीच में 2-3 की लाइट बंद है, मैं सोच रहा हूँ SRP के बीच में क्या क्या आता है, कन्फ्यूजन हो जाता है यार। वो जो आर है आर, उसके नीचे वाली डंडी में मिट्टी भर गई है, तो वो भी पी है, अब 2 पी है, मिलिन रही होती है सीट। अब जैसे आप लोग उतरे हो ना, मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे सर आप ठीक है पढ़े लिखे तो आप लग रहे हो, ABCD आपको आती होगी, पर मैं उल्टा पूछ रहा हूँ ठीक है, तो उसका आपको जवाब देना है, और कोई हेल्प नहीं करेगा ठीक है, कोई हेल्प नहीं करेगा। जे के पहले क्या आता है, वेरी नाइस, सही बोला यार। एस के पहले क्या आता है, आप वहीं तो नहीं काम करते टॉर्च मार के सीट दिखाने वाले। मैं ये जोक कब से कर रहा हूं यार, इतना तपाक से तो आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया, तालियां हो जाए यार इनके लिए, तो गजब ही मचा दिया भाई, कमाल ब्रिलियंट। तो यार वो Q7 जो टिकट था मेरा, सीट थी, मैं जाके बैठा वहां पे ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद जो मेरी वो रो थी ना, उसमें एक बंदा घुसा, उसकी बॉडी में गुस्सा था, चलो मैंने उसे देखा, उसने जिस जो एक लुक दी ना उसने मुझे, मैं समझ गया मैंने क्या किया है, क्योंकि लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं भाई उनकी सीट पे बैठ जाओ तो, समझ रहे हो आप, और वो ऐसे चलते बढ़ता, मैं कहा कूट वूट ना दे, उतने में नेशनल एंथम चालू हो गया तो टेंशन में खड़ा हो गया, मुझे तो मजा ही। पर बाद में आपको उठ के जाना पड़ता है, और ये जो वॉक होती है ना गलत सीट से उठ के सही सीट पे जाने वाली, ये होती है वॉक ऑफ शेम, इससे गंदी कोई वॉक ही नहीं है भाई, क्योंकि नेशनल एंथम खत्म हो गया है, लोग मूवी में इंटरेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम सामने से मटकते हुए निकल रहे हो, एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज, पीछे से आवाजें आ रही होती है, मजा तो वैसे थिएटर्स में आता है मूवीज देखने का नहीं, 3D मूवीज तो मैं छोड़ता ही नहीं हूँ, सारी देख लेता हूँ मैं, IMAX पहुंच जाता हूँ मैं, वो शुरू में आता ना उसमें 10, 9, 8 उसी मेरे पैसे वसूल हो जाते हैं, अंदर खींच लेता यार वो पूरे पैसे। मुंबई में एक नया फैशन चालू हो गया यार, अब 3D मूवीज देखने जाओ ना तो वो ग्लासेस तो पहले भी मिलते थे, अब वो आजकल ना वो एक टिशू भी देने लग गए हैं, एक मस्त ऐसा पैकेट में अंदर एक वेट टिशू होता है, तो जब वो पहली बार मिला था ना यार, मुझे पता ही नहीं था करना क्या इसके साथ, मैं अंदर गया, मैंने पैकेट खोला, मैंने मुंह पोंछ लिया उससे, फिर मैंने आजू बाजू देखा सब अपना ग्लास साफ कर रहे थे उससे, ऐसा जाहिल फील हुआ ना मुझे उस दिन, अब इमेजिन कर रहा हूँ पूरा थिएटर ग्लास साफ कर रहा, मैं गधे की तरह रगड़ रगड़ के। तो अब ना मैंने लाइफ की एक स्ट्रैटेजी बना ली है, अब जब भी मैं जाता हूँ 3D मूवी देखने, मैं ध्यान रखता हूँ कौन कौन मुंह पहुँच रहा है, कि मेरे सारा जाहिल कौन आया आज ठीक है ना, तो एक बार ना बाजू बंदा बैठा था, उसको देख के पता नहीं लग रहा था, फील आ रही थी कि पहुँचेगा, पर उसने नहीं पहुँचा तो मुझे बहुत बुरा लगा,
पर उसने ना दूसरी गलती कर दी, उसने क्या किया, वो टिश्यू को तो रख दिया साइड में, अब वो ग्लास को ना लगा के ही बैठ गया। अभी पिक्चर चालू ही नहीं हुई है, एड वैड आ रहे पर उसको मजा ही नहीं आ रहा, कर रहा किस बात का 3D चश्मा पहना दिया, पैसे ले लिए, पागल बनाने कुछ निकल के तो आ नहीं रहा। शायद बेचारा पहली बार ही देखने आया था, तो यार उसने इतना मासूम सवाल पूछा ना मेरे से, मेरी तरफ देख के बोलता है, यार भाई साहब यार एक बात बताओ, ये लगाना कंपलसरी है? मेरे को तो लाइफ में इन्हीं मोमेंट्स का इंतजार होता है बस। मैंने कहा नहीं नहीं कंपलसरी नहीं, जब तक एड आ रहे हैं तब तक लगाना, पिक्चर चालू होती है हटा देना। क्या हुआ, हुआ क्या, कहता रहा उसमें से कुछ आके क्यों नहीं निकल गया। अब उस टाइम पे ना एड चल रहे थे वीको वज्रदंती, देखे आपने एड वीको के, सारे सेम ही होते हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स में मसाले पड़े होते हैं ना, लौंग पुदीना इलायची विलायची, वो वीडियो की फुटेज में ऐसे गोल गोल घूम रहे थे पर उसके पास नहीं आ रहे थे, कहते यार वो आ नहीं रहा यार। मैंने कहा अभी आएगा, मैंने कहा एक टिश्यू दिया होगा आपको, कहता हाँ, मैं कहा तो पहले उससे मुंह पहुँचना होता है, थोड़ा ऐसा आंखों पे ऐसे करो फिर चश्मा काम करता है। खरा क्या बात कर रहे हो, मान गए भाई वो, कहता उसके बाद फिर लगाऊंगा तो इलायची विलायची पास में आ जाएगा। मैं कहता स्वाद आएगा इलायची का भाई, तो कर दो एक बार कर दो। फिर तो जो बंदे ने रगड़ा है मुंह भाई, खुद पे प्रेशर लगे 3D में देखने लग गया वो, अगला वो स्मोकिंग का आड़ा मुकेश का खांसने लग गया बंदा, वो MDH कर दद्दू के पैर छू लिए उसने, ये अकेला आदमी पूरे देश में जिसने नेशनल एंथम 3D में देखा भाई साहब, वो झंडा फड़फड़ा रहा था इसके मुंह पे, पूरी 3D में फील ली उसने देशभक्ति की, पंजाब सिंध गुजरात मराठा सब 3D में देखा उसने, हमने नॉर्मल पंजाब देखा, इसने उड़ता पंजाब देखा भाई, बंदे की फील ही अलग थी। ऐसे आप लोग खड़े होते हो मूवी के पहले, नेशनल एंथम आता है, होते सभी होते हैं, मैं भी होता हूँ, होना भी चाहिए, पता खड़ा तो मैं पहले भी होता था, ये जब से BJP आई है ना मैं गाता भी हूँ। रिस्क लेनी क्यों भाई, तो कौन गुस्सा हो जाए कूट के चला, मैं कहा देखो मेरी देश में मैं गा के दिखाऊंगा। पर पता है क्या हो गया, अलग अलग थिएटर्स में ना अलग अलग वर्जन्स आ गए नेशनल एंथम के, तो जिस थिएटर में मैं रेगुलरली जाता हूँ वहाँ पे इन्होंने क्लासिकल सिंगर्स को हायर करके उनसे गवा दिया है, इन सालों को यहाँ पे भी टैलेंट दिखाना है इनको, नहीं वो 52 सेकंड में ख़त्म करना नेशनल एंथम, ये अलाप अलाप लगा रहा है। अब मैं 7 में गा रहा हूँ, भारत भाग्य विधाता का ताप पकड़ के 9 सेकंड का अलाप लगा दिया साले ने, रुक जा साले 7 में गा रहा हूँ, इतना बुरा लगा रहा हूँ। मैं अगली बार गया ना सेम थिएटर, मैं वेट कर रहा था नेशनल एंथम का, जैसे ही नेशनल एंथम आया उसने लगाया अलाप, मैंने कहा सानी सस, सीखा है हमने रुजी से। Hi guys, hope आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो, मेक श्योर आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर ऑलरेडी नहीं किया है तो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली मेंबर्स, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई हैंडल इज विनय कॉमेडी। मैं कुछ शोज प्लान कर रहा हूँ, मुंबई बैंगलोर और पुणे के शोज ऑलरेडी लाइव है, और मैं और भी सिटीज में परफॉर्म करूंगा, अगर आप मुझे किसी पर्टिकुलर सिटी में देखना चाहते हो, बुलाना चाहते हो, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं किसी लाइव शो पे।